दोस्तों, अगर आप एक न्यू यूट्यूब क्रिएटर से और आपने यूट्यूब पर एक नया चैनल क्रिएट किया है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि यूट्यूब की जो थंबनेल है, वीडियो की जो थंबनेल लोग सेट करते हैं, ये थंबनेल HD क्वालिटी में एंड डिज़ाइन करके कैसे सेट करना है। दोस्तों, अगर आप सबसे पहले ये चीज़ सीख लेते हो ना, तो आपकी वीडियो अगर जीरो क्वालिटी है या वीडियो की जो क्वालिटी है बिल्कुल डाउन है, तो अब भी दोस्तों ऑडियंस आपके वीडियो पर क्लिक करता है। दोस्तों देखिए, थंबनेल की वजह से ऑडियंस वीडियो पर क्लिक करता है और उसके बाद ऑडियंस की जो समझ में आता है कि सच में ये वीडियो अच्छा है। तो एक थंबनेल कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको मैं दिखाने वाला हूं। और दोस्तों एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, दोस्तों आपको लगता है कि मैं एक न्यू क्रिएटर हूं, बिल्कुल ही नहीं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं कि मेरा सच में यूट्यूब चैनल है या नहीं। दोस्तों देखिए, यूट्यूब से पैसा कमाने का जो शौक होता है ये मेरा पूरा हो चुका है। और दोस्तों मैंने ये चैनल इसलिए ओपन किया है कि मैं यूट्यूब पर देखता हूँ कि काफ़ी लोग मतलब गलत वीडियो अपलोड यानी कि फेक वीडियो अपलोड करते थे, और जो न्यू क्रिएटर्स यूट्यूब पर आता है तो यूट्यूब पर ज्वाइनिंग करने के बाद यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करते हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, व्यूज़ कैसे बढ़ाए, ये सब सर्च करते हैं। और सर्च करने के बाद दोस्तों यूट्यूब पर काफ़ी फेक वीडियो देखने को मिलता है और फेक वीडियो के ऊपर भरोसा करके चैनल पर काम करता है, और नेक्स्ट क्या होता है कि चैनल ग्रो नहीं होता है। तो दोस्तों ये चीज़ माइंड में रखते हुए आपके चैनल पर आपको काम करना है। सो दोस्तों, एक थंबनेल कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट ट्यूटोरियल देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किया है तो भाई चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं लगता है तो भाई आप सब्सक्राइब नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर जाके पिक्सेल लैब जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद दोस्तों डाउनलोड करने के बाद दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पर पिक्सेल लैब ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देखिए न्यू टेक्स्ट, यह सबसे पहले आपको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिलीट बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके दोस्तों डिलीट कर देना है। तो दोस्तों मैंने डिलीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड पर देखिए 3 डॉट है, सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करना है। और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए इमेज साइज, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कस्टम जो ऑप्शन है, कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब चैनल बैनर, तो जो भी मतलब आप बनवाना चाहते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यूट्यूब थंबनेल मैं चूज करता हूँ। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देना है, रेशो जो है दोस्तों यहाँ पर देखिए 16:9, और यहाँ पर दोस्तों देखिए विड्थ और हाइट यहाँ पर कितना है। तो दोस्तों यहाँ पर विड्थ जो है 1280 और यहाँ पर हाइट जो है 720। तो दोस्तों ये आपको मतलब चेंज करना है। काफ़ी लोग दोस्तों यहाँ पर सेम इसी तरह रहने देते हैं और ओके करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों और भी क्वालिटी करना है, यानी कि और भी HD करना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर 1280 जो है ये आपको यहाँ से कैंसिल करना है, और यहाँ पर क्या करना है 1920 डालना है, और 720 जहाँ पर है यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है 1080 टाइप करना है। जैसे दोस्तों आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रेशो जो है 16:9 सेम भी है, तो यहाँ पर दोस्तों HD हुआ है। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे देखिए 3 ऑप्शंस है, यहाँ पर देखिए ये एक आइकन दिया गया है, और यहाँ पर बीच में और है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है। ये तीनों जो ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस के थ्रू एक थंबनेल HD एंड प्रोफेशनल थंबनेल बनता है। दोस्तों अगर आप मतलब जैसे तैसे थंबनेल बनाते हैं और आपकी जो थंबनेल है मतलब देखने में इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना है, उसके बाद दोस्तों आप भी एक प्रोफेशनल HD थंबनेल बना सकते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर राइट साइड पर जो ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस आया है, तो यहाँ पर सबसे लेफ्ट साइड जो है कलर, यहाँ पर क्लिक करना है कलर पर। कलर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कलर है, तो जो भी कलर आप बैकग्राउंड की मतलब बैकग्राउंड में रखना चाहते हो आप रख सकते हो। नीचे यहाँ पर देखिए कलर है, तो चलिए दोस्तों मैं एक कलर चूज करता हूँ, और इसके बाद दोस्तों डन ऑप्शंस पर क्लिक करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आप एक प्रोफेशनल HD थंबनेल बनाना चाहते हो तो दोस्तों यही से आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है दोस्तों गूगल क्रोम ब्राउजर से आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं यहाँ पर होम बटन पर क्लिक करके आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। सो दोस्तों चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ,
और यहाँ पर दोस्तों क्या करना है कि एक न्यू टैब ओपन करना है, और एक न्यू टैब ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है YouTube थंबनेल। सिंपली यहाँ पर टाइप करना है YouTube थंबनेल THUMV YouTube थंबनेल इमेज। इसके बाद दोस्तों सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YouTube जो थंबनेल है आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इमेज है, इमेज पर क्लिक करना है। इमेज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारे मतलब थंबनेल की जो बैकग्राउंड है आ चुका है। तो दोस्तों यहीं से आपको चूज करना है और यहीं से आपको दोस्तों डाउनलोड करना है। तो जो भी दोस्तों आपका पसंद आता है यहीं से आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो ग्रीन वाला है ये भी मैं कभी कभी इस्तेमाल करता हूँ। तो दोस्तों यहीं से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। अब चलते हैं दोस्तों पिक्चर लैब के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पर दोस्तों ऐड करने के लिए, इनपुट करने के लिए जो प्लस आइकन है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए फ्रॉम गैलरी इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जहाँ आपने मतलब रखा है डाउनलोड करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत चीज़ यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी थंबनेल की बैकग्राउंड मैंने डाउनलोड कर रखा है यहीं से दोस्तों मैं क्या करता हूँ इनपुट कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इनपुट करता हूँ और यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है इधर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो है थंबनेल मैं चूज़ करता हूँ। चूज़ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पर नीचे राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों सेम मतलब ये जो बॉक्स है बॉक्स के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आपको सेट करना है। चलिए दोस्तों मैं सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए लॉक ऑप्शन पर क्लिक करना है तो ये लॉक हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेम इसको यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ भी करो ये मतलब हिलता नहीं। इसके बाद दोस्तों आप बात करते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट जो आप लिखते हो डिज़ाइन करके ये कैसे लिखना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। टेक्स्ट लिखने के लिए दोस्तों यहाँ पर नीचे जो ए है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए टेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है और दोस्तों टेक्स्ट यहाँ पर प्लस आइकन से भी आप लिख सकते हो। जैसे कि मैंने प्लस आइकन पर क्लिक किया है तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखिए टेक्स्ट जो भी है आ चुका है सामने। तो चलिए दोस्तों मैं टेक्स्ट को यहाँ पर लाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगी या यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करोगी तब भी आप लिख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते ओपन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हिंदी में। तो चलिए दोस्तों मैं हिंदी लैंग्वेज यहीं से चूज़ करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SUBS और CRIVERS सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं, KAISE कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, मैंने यहाँ पर टाइप किया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए अगर आप एक प्रोफेशनल YouTube थंबनेल बनाना चाहते हैं तो दोस्तों इसी तरह आप अगर लिखेंगे तो दोस्तों आपकी जो थंबनेल है कभी भी प्रोफेशनल नहीं होता है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है ये मैं डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए डिलीट ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करना है, ओके कर देना है, डिलीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेयर ऐड करना है। तो दोस्तों लेयर आपको कैसे मिलता है, दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर जाना है और क्रोम ब्राउजर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। सर्च बार में दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप करना है। चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ PNG लेयर। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर हिंदी है तो हिंदी रहने दीजिए, PNG लेयर LYER PNG लेयर ब्लैक BLACK ब्लैक। तो दोस्तों आप और कुछ कलर लिख सकते हो, ब्लैक एंड व्हाइट भी लिख सकते हो, तो मैंने ब्लैक टाइप किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं PNG और लेयर जो भी आया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इमेज है, इमेज पर क्लिक करना है। जैसे आप इमेज पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारी यहाँ पर लेयर आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि मनुष्य काफ़ी जो है काफ़ी ये PNG लेयर इस्तेमाल करता है। तो यहीं से दोस्तों आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो दोस्तों डाउनलोड कर लेना है क्योंकि मेरा पास ऑलरेडी है। तो आप चलते हैं दोस्तों पिक्चर लैब के अंदर और यहाँ पर दोस्तों जो भी PNG लेयर आप इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करेंगे तो प्लस आइकन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके जो जहाँ पर आपने रखा है डाउनलोड करके यहीं से दोस्तों आपको इनपुट करना है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इनपुट कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं ये इनपुट कर लिया है। इसके बाद दोस्तों डाल, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ इस तरह लिया है। तो यहाँ पर मैं ज़रा टेढ़ा करता हूँ,
और टेढ़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं इतना तक कर लेता हूँ, इसके बाद दोस्तों ये जो लेयर है, लेयर की आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर जो मिडिल में जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको स्वाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कलर, तो कलर पर क्लिक करना है। कलर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये इनेबल कर देना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए रेड हो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं रेड कलर ये चूज कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप टेक्स्ट यहाँ पर लिखना है, जैसे कि दोस्तों सब्सक्राइब्स कैसे बढ़ा, दोस्तों वीडियो को गौर से देखना है। तो दोस्तों चलिए प्लस आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है, तो दोस्तों टेक्स्ट पर क्लिक डबल क्लिक करोगी तो दोस्तों यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर इंग्लिश टाइप करता हूँ, SUBSCRIVER सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाए, बाकी मैं हिंदी टाइप कर लेता हूँ कैसे बढ़ाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ा, मैंने यहाँ पर टाइप किया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली ओके पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए एक आइकन दिया गया है, इस आइकन के थ्रू दोस्तों ये आपको आप घुमा सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि ये आप मतलब मैं यहाँ पर आपके हिसाब से आप रखना है। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप सेट कर देना है, और इसके बाद दोस्तों क्या करना है कि दोस्तों ये आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये डिज़ाइन या बड़ा छोटा करने के लिए ऐप ऑप्शंस पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट साइड पर स्वाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए टेक्स्ट साइज जो है साइज पर क्लिक करना है, और साइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ज़रा बड़ा कर देना है, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इतना सा कर लेता हूँ। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राइट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इसके बाद दोस्तों ये पूरा सेंटर में आप एडजस्ट कर लेना है, यहाँ पर मैंने कर लिया है। इसके बाद दोस्तों ये कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि देखने में डिज़ाइन कैसे लगता है। तो डिज़ाइन के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये ऑप्शंस पर रहने दीजिए और लेफ्ट साइड पर स्वाइप करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ए बी फ्रंट, तो ए बी फ्रंट पर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं ए बी फ्रंट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फ्रंट आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये जो पिक्चर लेफ्ट के अंदर जो भी मतलब फ्रंट दिया जाता है ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ये इस्तेमाल करोगे तो इतना डिज़ाइन करके एक प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बना सकते हैं, इसलिए दोस्तों क्या करना है माय फ्रंट पर क्लिक करना है। माय फ्रंट पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर कुछ देखिए फ्रंट आ चुका है। तो दोस्तों ये आप मैन्युअली आपको डाउनलोड करना होगा, वरना यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने ये डाउनलोड किया है, इसके बाद दोस्तों ये जो भी यहीं से आप चूज़ करते हैं, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि टेको मीडिया मैंने चूज़ किया है। इसके बाद दोस्तों ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिज़ाइन है यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली कैसे डिज़ाइन हुआ है। तो दोस्तों इसी तरह आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद दोस्तों ये भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों बड़ा करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ स्वाइप करना है, और यहाँ पर दोस्तों देखिए साइज जो है साइज पर क्लिक करना है। साइज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो साइज है ज़रा बड़ा कर देना है, और बड़ा करने के बाद दोस्तों ये इस बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर लेना है, और इसके बाद दोस्तों डन ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है। इसके बाद दोस्तों और भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और टेक्स्ट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों ए ऑप्शन पर सिलेक्ट रहने दीजिए और पूरा लेफ्ट साइड पर स्वाइप करना है। लास्ट में एक ऑप्शन देखिए 3D टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चेंज हुआ है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं पूरा नहीं आपको बताता हूँ, मैं एक चीज़ आपको करके दिखाता हूँ, और बाकी दोस्तों देखिए एक चीज़ अगर आप सीख लोगे ना तो बाकी चीज़ आप आराम से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए डेप्थ जो है यहाँ पर 10 है, तो दोस्तों आपको क्या करना है माइनस कर देना है। जैसे कि दोस्तों मैं 4 तक 3 तक मैंने किया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए और भी डिज़ाइन आया है। दोस्तों यहाँ पर जो मतलब 3D टेक्स्ट है इस पर दोस्तों आप क्या है स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। तो स्ट्रोक लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर कलर आपको चूज़ करना है, और नीचे कौन सा कलर की स्ट्रोक आप लगाना चाहते हो, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप ब्लू लगा सकते हो, ग्रीन लगा सकते हो, जो भी आप चाहते हो दोस्तों ऐसे आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों डन पर क्लिक करना है, और डन पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों ये कम्प्लीट हो चुका है।
तो दोस्तों आप बाकी दोस्तों यहाँ पर नीचे और भी टैक्स देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पर और भी यूट्यूब लोगो लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। जैसे कि चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक यूट्यूब लोगो यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो प्लस आइकॉन पर क्लिक करना है और दोस्तों यूट्यूब लोगो पहले से आपको डाउनलोड करना होगा, तो मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब लोगो जहाँ पर है मैं ऐसे इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए यूट्यूब लोगो जो है यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डाउन पर क्लिक करना है। डाउन पर दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये जो है आपको मतलब छोटा करना है। चलिए दोस्तों मैं छोटा कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों आप ज़रा टेढ़ा करके यहाँ पर आप रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं ज़रा टेढ़ा करता हूँ और टेढ़ा करने के बाद दोस्तों ये कॉर्नर पर आप रख सकते हो। तो दोस्तों ये भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये जो यूट्यूब लोगो आपने रखा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर बीच में ऑप्शन जो है क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इसको भी आप मतलब शेडो यहाँ पर देखिए स्ट्रोक भी डाल सकते हो। जैसे कि जैसे आप स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे एनेबल करना है और इसके बाद दोस्तों देखिए साइड पर एक वाइट कलर की स्ट्रोक आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने कलर पर क्लिक किया है तो दोस्तों रेड में वाइट कलर जो है स्ट्रोक अच्छा लगता है। इसके बाद डन। इसके बाद दोस्तों और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों आप लेफ्ट साइड पर स्वाइप करेंगी तो दोस्तों यहाँ पर शेडो पर क्लिक करना है। शेडो पर जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो यह भी ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोस्तों शेडो की कलर कौन सा आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं व्हाइट चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए व्हाइट कलर की जो शेडो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद दोस्तों सिंपली यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लोगो है लोगो में डिजाइन आ गया है। सो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मतलब यहाँ पर ऑप्शंस दिया गया है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये जो लोगो है लोगो के नीचे आप किसी एक कलर के ऊपर ये सेट करना है, तो कलर के ऊपर सेट करने के लिए दोस्तों सिंपली प्लस आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए सेव इस ऑप्शंस पर क्लिक करना है। सेव ऑप्शंस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों ये बड़ा कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कॉर्नर पर। और कॉर्नर पर सेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये दोस्तों आप मतलब स्क्वायर में कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर पर डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों डन। डन पर जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों लोगो पर क्लिक करना है और लोगो इस वाइट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉपी करना है, जैसे कि दोस्तों मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद दोस्तों ये एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं एडजस्ट कर लिया है। तो दोस्तों इसी तरह दोस्तों आप नीचे बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों आप अगर आप दोस्तों एक चीज़ समझ लोगी तो बाकी सारा कुछ आप काम कर सकते हैं इसी तरह। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो एक लाइक करना है, इस चैनल में नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।